तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, ये 3ds Max के कोर्स का 22nd वीडियो है। आज के हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम शैम्फर मॉडिफायर को किस तरह से यूज कर सकते हैं। आप लोगों ने अगर मेरा एडिटेबल पॉली वाला वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने शैम्फर ऑप्शन को यूज किया था एडिटेबल पॉली के अंदर। लेकिन हम यहाँ पर शैम्फर मॉडिफायर को यूज करना देखेंगे कि वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेना है। मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना लेता हूँ, ओके। और इसमें के मैं यहाँ पर सेगमेंट्स को फिलहाल कम कर देता हूँ, ओके। इसमें फिलहाल कोई भी सेगमेंट्स अप्लाई नहीं है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से इस पर शैम्फर मॉडिफायर अप्लाई कर देता हूँ। मैंने जैसे शैम्फर मॉडिफायर अप्लाई किया, यहाँ पर कुछ सेगमेंट्स अप्लाई हो गए हैं हर एज के साइड में। मेरे ऑब्जेक्ट में जितने भी एजेस थे, उसकी दोनों साइड में यहाँ पर एक एक एज अप्लाई हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर मॉडिफायर पैनल के अंदर पैरामीटर्स पे आऊँ, तो मुझे यहाँ पर पैरामीटर्स के अंदर कुछ सेटिंग्स मिलती हैं। अगर मैं यहाँ पर नीचे देखूँ शैम्फर ऑप्शंस के अंदर, तो मुझे अमाउंट टाइप मिलता है, जो कि फिलहाल यहाँ पे फिक्स्ड वाला है। इसमें मुझे दो ऑप्शन और मिलते हैं, बाय सीज वेट मिलता है और एक लेगेसी मिलता है। फिलहाल हम फिक्स करेंगे। फिक्स्ड ऑप्शन में नीचे हमको यहाँ पर अमाउंट का ऑप्शन मिलता है। अमाउंट मीन्स यहाँ पर डिस्टेंस का हो रहा है कि आप यहाँ पर जितना ज्यादा आपकी वैल्यू को बढ़ाओगे, आपका जो शैम्फर है वो उतना ज्यादा बढ़ेगा। मैं अगर यहाँ से वैल्यू बढ़ाता हूँ, तो आपको दिखेगा कि मेरा जो शैम्फर वाले सेगमेंट्स है वो मेरे एज से दूर जाते जा रहे हैं और मेरे शैम्फर को ब्रॉड करते जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को थोड़ा कम ही कर देता हूँ, कुछ इस तरह से, ओके। इसके बाद में मुझे नीचे यहाँ पर सेगमेंट्स का ऑप्शन मिलता है। फिलहाल मेरा सेगमेंट 1 है, मतलब वो मेरे एज के दोनों साइड में एक एक सेगमेंट को अप्लाई करेगा। अगर मैं यहाँ पर सेगमेंट की वैल्यू को 2 कर दूं, तो अब वो मेरे एज के साइड में दो दो सेगमेंट्स को अप्लाई करेगा। अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूं, तो मेरे और सेगमेंट्स यहाँ पर बढ़ जाएंगे, तीन तीन सेगमेंट्स आ जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पर एज फेसेस ऑप्शन को यहाँ पर अगर बंद करूँ, तो आपको दिखेगा कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसके सारे एजेस बहुत ही अच्छे से स्मूथ यहाँ पर कर्व हो चुके हैं, ओके। मैं यहाँ पर अगर वापस से एज फेसेस को ऑन कर दूँ, और यहाँ पर डेप्थ का वैल्यू है मेरे पास में यहाँ पर 0.5, अगर मैं डेप्थ की वैल्यू को यहाँ पर 0 कर दूँ, तो आपको दिखेगा कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसमें से वो स्मूथनेस बिल्कुल चले गई और अब ये एक फ्लैट सरफेस बन चुका है। अगर मैं यहाँ पर इसकी अमाउंट वैल्यू को बढ़ाऊं, तो आपको ये कुछ इस तरह से रिएक्ट करता हुआ दिखेगा, ओके। तो आप पर डिपेंड करता है कि आपको आपके जो एजेस है वो इस तरह से फ्लैट में शैम्फर्ड चाहिए या आपको कर्व स्मूथ कर्व चाहिए, ओके। तो अगर आपको स्मूथ कर्व चाहिए, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो डेप्थ का वैल्यू है वो 0.5 होना चाहिए, ओके। अगर वैल्यू 0 रहेगा तो भी ये फ्लैट हो जाएगा, अगर वैल्यू 1 रहेगा तो भी ये फ्लैट हो जाएगा, बट डिपेंड करेगा जब आप वैल्यू को 1 कर दोगे, तो ये 90 डिग्रीज में इसको कर्व कर देगा। और अगर आप ज्योमेट्री के ऊपर ध्यान दो, तो ये ज्योमेट्री के अंदर सेगमेंट्स को इस तरह से अप्लाई कर देगा, ओके। तो अगर आपको 45 डिग्री एंगल में फ्लैट चाहिए, तो आपको वैल्यू 0 कर देना है, और आपको अगर कर्व सरफेस चाहिए, तो आपको 0.5 कर देना है वैल्यू को। इसके बाद में इसमें नीचे एक ऑप्शन हमें देखने को मिलता है इनसेट का। तो अगर मैं इस इनसेट के ऑप्शन को यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि मेरे शैम्फर वाले ऑप्शन के बाद में अंदर जो मेरा फेस आ रहा है उसके ऊपर एक और यहाँ पर इंसेट अप्लाई हो चुका है, ओके। अगर मैं यहाँ पर इंसेट के अंदर देखूँ, तो मुझे वही चीज देखने को मिलती है, अमाउंट वैल्यू मिलेगी, सेगमेंट्स मिलेगा, और यहाँ पर एक ऑफसेट का ऑप्शन मुझे देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पर अमाउंट की वैल्यू को बढ़ाता हूँ, तो मेरा जो इंसेट है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी इस तरह से, ओके। तो मैं यहाँ पर अभी फिलहाल इसको इतना रख देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर मेरे सेगमेंट की वैल्यू को बढ़ाऊं, तो आपको देखने को मिलेगा कि मेरा जो इनसेट है और मेरा जो शैम्फर है उसके बीच में ये सेगमेंट्स को बढ़ाता जाएगा। मैं यहाँ पर जैसे सेगमेंट्स को बढ़ाऊंगा, तो मेरे इनसेट और मेरे शैम्फर के बीच में ये सेगमेंट्स को इंक्रीज करता जाएगा, ओके। इसके बाद में हमें एक और ऑप्शन यहाँ पर मिलता है ऑफसेट का। तो अगर मैं यहाँ पर ऑफसेट की वैल्यू को बढ़ाता हूँ, तो ये देखिए कि ये अब किस तरह से रिएक्ट करेगा। ये अब कुछ इस तरह से रिएक्ट कर रहा है, ओके। और मेरा जो शैम्फर वाला ऑब्जेक्ट था या इनसेट वाला ऑब्जेक्ट था, उसको बाहर की डायरेक्शन में वो एक्सपांड कर रहा है।
ओके तो इस तरह से भी आप इस ऑप्शन का यूज करके आपकी ज्योमेट्री को बना सकते हो। आप चाहते हो कि आपके पास में एक इस तरह का ऑब्जेक्ट तैयार हो जो हर तरफ से टेपर्ड हो और शैम्पर्ड हो, जिसके एजेस कॉर्नर्ड हो और एक फेस हो जो हर साइड से अंदर की डायरेक्शन में एक्सट्रूडेड है। तो इस तरह से आप इस ज्योमेट्री को बना सकते हो। तो आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।